वेलकम फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। इनकी प्रैक्टिस करने से पहले हम यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शंस यहाँ पे गिवन हैं, ये डमी ट्रांजैक्शंस हैं और हो सकता है कि बाद में इनका जो बैलेंस है वो मिसमैच करे, इसीलिए आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट वन एंट्री है वो इस तरह से है। ऑन 1 अप्रैल 2012 वर्निका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 5 लाख। इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2012 को वर्निका ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 5 लाख रुपए का। अब हम देख सकते हैं कि जो कैश है वो यहाँ पे आया है, और जब कैश हमारे पास आता है तो हमारी एसेट्स बढ़ जाती हैं, फर्म की एसेट्स बढ़ जाती हैं। अगर फर्म की एसेट्स इंक्रीज हो जाती हैं तो उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने कैश अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं, वर्निका इस कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो वर्निका है वो यहाँ पे गिवर है, क्योंकि वर्निका बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इसीलिए वर्निका यहाँ पे गिवर है। और यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है, डेबिट द रिसीवर्स एंड क्रेडिट द गिवर्स। वर्निका यहाँ पे गिवर है, इसीलिए हमने वर्निका के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट साइड में एंटर किया है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू वर्निकाज अकाउंट 5 लाख। अब हम देख सकते हैं कि जैसे ही आपके पास की कोई ऐसी बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्री आएगी तो आपके उसकी एंट्री इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे कैश अकाउंट में यहाँ पे वो अमाउंट फिल करेंगे जो आपके पास ट्रांजेक्शन में गिवन है, और यहाँ पे वर्निका के नेम की जगह पे आप वो फिल करेंगे जो आपके पास पर्सन का नेम गिवन है, और यहाँ पे भी फिल वही अमाउंट फिल करेंगे जो आपके पास ट्रांजैक्शन में दी गई होगी। इसी तरह हमारे पास सेकेंड एंट्री गिवन है, ऑन 4 अप्रैल 2012 शी विदड्रो 20,000 बाय चेक ऑफ फॉर ऑफिस यूज। इसका मतलब ये है कि 4 अप्रैल 2012 को विदड्रो किया गया है पैसा 20,000 रुपये चेक से ऑफिस यूज़ के लिए। अब हम देख सकते हैं कि जो कैश है वो गेन हमारे पास आया है। अब जब कैश हमारे पास आता है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो एसेट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, एसेट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। जब एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। यहाँ पे हम 20,000 अमाउंट देंगे जो हमारे पास गिवन है। अब हम देख सकते हैं कि जो विड्रॉ किया है पैसा 20,000 रुपये, वो चेक से लिया गया है, बैंक अकाउंट से नहीं लिया गया है, इसीलिए जो बैंक बैलेंस है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। और जब बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाता है तो उसे हम रियल अकाउंट के अंडर लेते हैं। रियल अकाउंट हमें ये बताता है कि जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जो बैंक है यहाँ पे गिवर है, क्योंकि बैंक पैसा दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट रूल भी अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो गिवर होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं और रिसीवर को हम डेबिट में एंटर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है और यहाँ पे वो अमाउंट फिल होगी जो हमारे पास गिवन है। इसी तरह हमारे पास जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। अब हम देख सकते हैं कि जब भी हमें, सबसे पहले हम एंट्री करने से पहले एक चीज़ चेक करेंगे कि उस पर जो एंट्री है उस पर कौन सा रूल अप्लाई होता है, और जब हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है तो आप अपनी इजीली अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एंट्रीज बना सकते हैं। इसीलिए हम थर्ड वन एंट्री को रीड करते हैं, वो है ऑन 5 अप्रैल 2012 परचेज फर्नीचर वर्थ 90,000 बाई चेक। इस एंट्री का मतलब, इस ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि 5 अप्रैल 2012 को फर्नीचर परचेज किया गया है 90,000 रुपये का, और इसकी जो पेमेंट है वो चेक से की गई है। अब इस एंट्री में हम देखते हैं जो फर्नीचर है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो फर्नीचर है वो हमारे पास आया है। फर्नीचर को हम एसेट्स कह सकते हैं, और जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं हमारे पास आता है तो उसको हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट में एंटर करेंगे, और जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम डेबिट में एंटर करेंगे, क्रेडिट में एंटर करेंगे, इसीलिए हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि जो इसकी पेमेंट है फर्नीचर की वो चेक से की गई है, तो यहाँ पे जो बैंक बैलेंस है बैंक हमारा कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। और दूसरे लैंग्वेज में हम इसको समझ सकते हैं कि जो बैंक है वो यहाँ पे गिवर है, बैंक पैसा दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट रूल भी अप्लाई होता है।
पर्सनल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो गिवर होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं हमारे पास एंट्री बनी है फर्नीचर अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक अकाउंट 90,000। अब हम देखते हैं जो लास्ट वन एंट्री हमारे पास ऑन 7 अप्रैल 2012 सोल्ड फर्नीचर टू निशा इन कैश ऑफ ₹75,000 मीन्स 7 अप्रैल 2012 को फर्नीचर सोल्ड किया गया है निशा को कैश में 75,000 रुपये का। अब हम देखते हैं जो निशा है वो यहाँ पे डेटर है क्योंकि जो निशा है वो फर्नीचर खरीद रही है क्योंकि हमने उसको सोल्ड किया है फर्नीचर, तो निशा यहाँ पे डेटर है। और जब हमारे डेटर बढ़ जाते हैं तो उनको हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो निशा है वो पेमेंट रिसीव कर रही है, वो फर्नीचर को रिसीव कर रही है, इसीलिए यहाँ पे इसे हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट रूल भी अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं जो फर्नीचर अकाउंट है वहाँ पे हमने इसको क्रेडिट साइड में एंटर किया है क्योंकि हम देख सकते हैं जो कैश में पेमेंट की गई है और जो फर्नीचर है वो हमारे पास से कम हो गया है। यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है क्योंकि जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं और जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम डेबिट में एंटर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। और इस तरह से हमारी जो एंट्री बनती है वो इस तरह से है, निशा डेबिट 75,000 टू फर्नीचर अकाउंट 75,000। थैंक यू।